ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भोजपुर के आरा मुख्यालय स्थित हॉस्पिटल रोड में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक कबाड़ी दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतना भयावह था कि उसके लपटे आसमान छू रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार आरा शिवगंज स्थित सदर अस्पताल के समीप अनुल हक अपने कबाड़ी की दुकान चलाया करते थे। रात्रि 9 बजे के आसपास अचानक कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते लाखों की संपत्ति आग के सामने धू धू कर जल गई। आग लगने की सूचना जैसे ही जदयू नेता राकेश रंजन उर्फ पुतुल को लगी, उन्होंने अपने मोबाइल से न सिर्फ जिला प्रशासन को सूचना दिया बल्कि आग बुझाने में मदद भी की। वहीं आग लगने की घटना जैसे ही भाकपा माले पार्टी को मिला, आनंद फानन में कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंच गए। इस बाबत आरा नगर सचिव दिलराज प्रीतम ने बताया कि जैसे ही आग लगने की सूचना हम लोगों को मिला, हम लोग घटना स्थल पर पहुंच गए तथा अग्निशामक वाहन को बुलाकर आग पर काबू पाए। आग लगी स्थल पर भाकपा माले की टीम में पहुंचने वाले नगर कमेटी सदस्य व वार्ड पार्षद अमित बंटी, आयशा नेता रोशन कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता उक्त स्थल पर पहुंचे तथा आग बुझाने में मदद की। वहीं भाकपा माले ने जिला प्रशासन से पीड़ित दुकानदार को आपदा राहत कोष से 10 लाख रुपए की मांग रखा है। आज रात लगभग 8 बजे आरा शहर स्थित शिवगंज मुख्य बाजार में एक कबाड़ी की दुकान में भयंकर आग लगी। इस आग लगी की घटना को सुनते ही भाकपा माले की टीम घटनास्थल शिवगंज पहुंची। भाकपा माले के नगर सचिव दिलराज प्रीतम, वार्ड पार्षद अमित कुमार बंटी, आयशा नेता अर्शन कुशवाहा ये तमाम लोग पहुंचे और जिला प्रशासन और अग्निशामक विभाग को सूचित किया। सूचित करने के बाद काफ़ी देर के बाद वहां टीम बुझाने के लिए आग गाड़ी पहुंची और सब लोग मिलकर के बुझाने का प्रयास किया और आग बुझी। हम भाकपा माले के यह मांग है कि इनामुल हक जो पीड़ित दुकानदार हैं जिनका सब कुछ बिखर गया, सब कुछ उजड़ गया, उन तमाम पीड़ित परिवार को भाकपा माले की ओर से 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हैं और कैसे आग लगी इसकी घटना की जांच की मांग करते हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं पर अविलंब रोक लगाई जा सके। अगर इन तमाम सवालों को लेकर के जिला प्रशासन मांग को पूरा नहीं करती है तो आगे आने वाले दिनों में इन सवालों को लेकर के आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अभी अभी बहुत जोरों से मटिया में कबाड़ी के दुकान में आग लगी हुई है जो हुंडा शोरूम के जस्ट बगल में पड़ता है और सदर अस्पताल रोड में है। कृपया करके जिला प्रशासन का अनुरोध है कि अग्निशामक फायर ब्रिगेड को जल्द से जल्द भेजने का कष्ट करें। जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, हम लोग अपने से फोन लगाकर प्रयास कर चुके हैं फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए। जो भी प्रशासन देख रहे हैं, जिला के जो भी व्यक्ति देख रहे हैं लोग, बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गया है। मटिया पचोरों से होंडा शोरूम के बगल में आग लग चुकी है और अभी तक ले प्रशासन बचाने में कोई भी आप देख सकते हैं। धू धू के जल रहा है मटिया।